तो बात करेंगे जी हम अपने गार्डन अपडेट्स के बारे में। बहुत वक्त गुजर गया है भैया, वीडियो भी नहीं बना रहे हैं। ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है कि गार्डन पे यानी कि छत पे आने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी बीच बीच में आ जाते हैं। वहीं आप देख सकते हैं इस वक्त तो बहुत ज़्यादा परिंदे पंछी शोर मचा रहे हैं। और ये हमारे आप देख सकते हैं दो नए नए फैमिली मेम्बर्स। अभी आप देख सकते हैं ये हमारा है जी, हमने इसका नाम रखा है जी सिम्बा। सिम्बा देखो इधर, ये इस टाइम छत पे घूम रहे हैं और ये मुआयना कर रहे हैं कि कैसे कैसे लग रहा है जी गार्डन के अंदर। इसको बड़ा मज़ा आता है जी छत में आने के, वो शोर मचाने लगता है कि चलो चलो गार्डन पे चलते हैं। और ये आप देख रहे हो ये मुआयना कर रहा है कि कैसे लग रहे हैं पत्ते, कैसे लग रहे हैं पत्ते, ठीक है। और ये जा के सूंघता है ये अभी, और इस सिम्बा को बड़ा मज़ा आता है पत्ते सूंघने के अंदर, देख रहे हैं। और इसके साथ में इसकी ये बेटी है जी एक छोटी सी, इसका नाम हमने रख दिया है जी टैप, ठीक है जी। तो ये भी बड़े मज़े करती हैं छत पर आकर, तो अभी इनको बड़ा अच्छा लगता है कि चलो शोर मचाती हैं बाकायदा छत पे जाने के लिए कि चलिए जी हमको छत पे लेके चलिए। तो ये कुछ हैं जी हमारे नए, हमारे ये देखिए सिम्बा को मैं आपको दिखाता हूँ जी करीब से। ये देखिए जी हमारा सिम्बा, सिम्बा सिम्बा देख रहा है इस वक्त पंछियों को, शोर मचा रहे हैं। और ये बेचारा बड़ा सीधा था, ये कोई किसी को कुछ नहीं कहता है, अपनी मस्ती के अंदर रहता है जी मस्त और घूमता रहता है। चलिए ये तो हो गई जी बातें जी। अब आप देख सकते हैं ये हमारे हैं जी डहलिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही पौधे के अंदर कई सारे फूल निकल रहे हैं। तो इसका सीक्रेट क्या है, हमने इसके अंदर डाली थी जी अभी NPK फर्टिलाइज़र 5234। कौन सी जी? NPK फर्टिलाइज़र 5234, जो स्पेशली फ्लावरिंग सीज़न के अंदर ही आपको डालनी है। और जो फ्लावर्स आपके जिस स्पॉट के अंदर आते हैं, तो हमने ये चीज़ इसके ऊपर नोटिस करी कि हमारे प्लांट के ऊपर जो कलियां थी वो बन तो रही थी, लेकिन वो कलियां खिल नहीं रही थी। लेकिन हमने जैसे ही इसके अंदर डाला तो 3 से 4 दिन के बाद आप देख सकते हैं कि जो कलियां छोटी छोटी थी और जो खिली नहीं थी वो खिलना स्टार्ट हो गई। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये भी हमारी खिलना स्टार्ट हो गई, और ये भी आप देख सकते हैं कि अफ्रीकन मारीगोल्ड हमारा, ये भी आप देख सकते हैं खिलना स्टार्ट हो गया। और जो हमारी जो दूसरी बनी हुई थी वो भी आप देख सकते हैं कि खिलना स्टार्ट हो गई। वहीं अगर आप देखें गुलाब की भी हमारी जो कलियां हैं बड़ी बड़ी मोटी मोटी बन रही हैं जी, एक ही वक्त में आप देख सकते हैं कि 4-4, 5-5 गुलाब आ रहे हैं। वहीं अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारा एक और गुलाब है जी, और इसके अंदर भी आप देखेंगे ये दो कलियाँ बन गई हैं जी स्पेशल, देख रहे हैं आप, एक ये बन गई एक ये बन गई, और एक ही साथ आप देखेंगे 4-4 कलियां हमारी ये बन गई, देख रहे हैं आप 4 ये बन गई। और दूसरा हमारे जो स्पेशली इंडोर प्लांट है उनको हमने छत पे रखा हुआ है बिल्कुल ठंड के अंदर। तो अगर आप देखेंगे मुआयना करेंगे तो ये है जी हमारा सफलेरा, ठीक है, जिसको हम अम्ब्रेला ट्री बोलते हैं। तो इसकी ग्रोथ बाकायदा आप देख सकते हैं बहुत तेज़ी से हो रही है जी इतने ठंड के अंदर, क्योंकि गर्मी के अंदर अगर आप इसको छत पे रखेंगे तो इसकी ग्रोथ नहीं होगी। वहीं अगर आप इसको नॉर्मल अगर रूम के अंदर रखते हैं या शेडी एरिया के अंदर रखते हैं तो इसकी ग्रोथ चलती रहती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसकी ग्रोथ बढ़ जाए तो आप ठंड के अंदर छत पे बिल्कुल आसमान के नीचे, देख रहे हैं आसमान के नीचे अगर आप इसको रख देंगे तो इसकी ग्रोथ भी आप देखेंगे, देखो नई नई पत्तियां बन रही हैं, ठीक है। और अभी आप देखेंगे 4 से 5 नई पत्तियां बन गई जी इसकी सिर्फ 1 महीने के अंदर, बहुत स्लो ग्रोथ होती है, ठीक है। वहीं आप देख सकते हैं कि हमारा ये भी है जी क्रिसमस ट्री एरो कैरियर इसको बोलते हैं, इसकी तो आप देख सकते हैं ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है, इस पर कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। वहीं अगर आप देखेंगे सॉन्ग ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इसकी भी ग्रोथ नहीं है लेकिन डाउन भी नहीं हुआ, यानी कि ये ठंड के अंदर आ गया हो शॉक लग गया हो तो ऐसा भी नहीं है यहाँ पर। वहीं अगर आप देखेंगे ये है जी हमारा क्रोटोन, तो क्रोटोन की भी आप देख सकते हैं कि हल्की फुल्की ग्रोथ है, ठीक है। वहीं अगर आप इसको ठंड गर्मियों के अंदर मई जून के अंदर छत पर रखेंगे तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी, पत्तियाँ जल जाएंगी और गिर जाएगा। अब ये देखिए ये घास खाने में लगा हुआ है जी इसकी, देखो पौधे की घास खाने में लगा हुआ है, अब कौन समझा बिल्ली यार घास नहीं खाया करती, इसको बड़ा मज़ा आ रहा है देखो ये चाट चाट के खा रहा। अब यहाँ पर देखेंगे ये चीज़ हमारे गार्डन में खुद ब खुद आ गई। अब ये चीज़ है क्या हमको तो समझ में आ नहीं रहा, बट लग बहुत खूबसूरत रहे जी। 3 पॉट के अंदर छोटे छोटे निकले थे, हमने उसको ट्रांसप्लांट करके दूसरे बड़े पॉट्स के अंदर लगा दिए, और इतने बड़े पॉट में लेकिन इसके जो फूल आहा कितने खूबसूरत ये हमको लग रहे हैं, तो हमने इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया और ऐसे ही इसको ग्रो करने दिया। और आप देख रहे हैं ठंड के महीने के अंदर इनकी तो खूबसूरती डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है, मुफ्त के प्लांट फ्री के प्लांट और बहुत ही खूबसूरत से प्लांट। वहीं अगर आप देखेंगे ये हमारा स्नो वाइट,
ठीक, जिसको हम कहते हैं जी कश्मीरी गुलाब, तो उनकी भी एक येलो कलर का जो उसके ऊपर आ रहा है जी एक शेड, तो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा है। तो हमारा सीक्रेट क्या है जी, अभी हमने टेम्परेरी इसके अंदर एक खाद डाली जी NPK 52-34, तो वो भी आप डाल सकते हैं। 1 लीटर पानी के अंदर 5 ग्राम आपको मिलानी है और अपने पौधों के अंदर डाल देनी है। कितने जी, 1 लीटर पानी के अंदर 5 ग्राम। तो ये खाद डालेंगे तो आपके जो गार्डन है उसके ऊपर फूल ही फूल नज़र आएंगे और रौनक भी आएगी नज़र, ठीक है, और गुलाब के फूल भी आपके हो जाएंगे जी बड़े बड़े। तो ये थी जी फिलहाल ज़रूरी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, तो हमने चाहा कि हम आपके साथ करें जी शेयर। और अभी आप देख सकते हैं कि थोड़े दिन के अंदर हमारे कैनेडोएला के भी कह सकते हैं कि ये बीज निकलेंगे और फ्लावर्स निकलेंगे और ये भी अपने आप में लगेंगे जी बहुत खूबसूरत, तो इसका भी हम अपडेट आपको देंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।